शेखावाटी अंचल में इन दिनों धरती पुत्रों का हल्ला बोल चरम पर है। कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कृषि उपज मंडी के बाहर किसान महासभा के बैनर तले और पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में भारी तादाद में जुटे किसानों से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। सोमवार को किसानों ने विरोध रैली निकाली थी, जिससे शहर मानो थमसा गया था। वही मंगलवार को सैकड़ों ट्रैक्टर चालकों ने अपने ट्रैक्टर के साथ किसानों के समर्थन में रैली निकाली। आंदोलन के तहत बुधवार को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 7 दिसंबर को सीकर बंद का आह्वान किया गया है। किसान नेता और पूर्व विधायक अमरा राम ने ऐलान किया कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान कर्जा मुक्ति के लिए आज पूरे राजस्थान पे जिला मुख्यालयों पे ऐतिहासिक महापड़ाव डाला है और ये महापड़ाव उन मांगों को लेकर गए जो पिछले 2.5-3 महीने से प्रदेश और देश का किसान, चाहे वो किसान कर्फ्यू हो, चाहे वो गिरफ्तारी हो और चाहे 16 जून को पूरे देश व्यापी आंदोलन हो, निश्चित रूप से आज 1 सितंबर 2005 में भी अखिल भारतीय किसान सभा और राजस्थान के किसानों ने पड़ाव डालकर राजस्थान की सरकार को झुकाया था। आज उन्हीं मांगों को लेकर के ये पड़ाव पूरे राजस्थान के एक एक जिला मुख्यालय पर डाला गया है। सीकर जिले का किसान सीकर की कृषि उपज मंडी में इन मांगों को लेकर जिस महापड़ाव में है और इस महापड़ाव के दौरान हमने 1 तारीख को पूरे सीकर के शहर में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया था और राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए कि इन मांगों के लिए हम मंडी में महापड़ाव दे रहे हैं और जब तक किसान की कर्जा माफी और भाव की मांग नहीं मानी जाएगी ये किसान महापड़ाव अनिश्चितकाल के लिए रहेगा। 5 दिनों से सीकर शहर में जुटे हजारों किसान अपने ही खर्च पर रात का खाना बना रहे हैं और आंदोलनकारियों को भी खिला रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका प्याज जहां 3 रुपए में नहीं बिकता था, वहीं प्याज आज मंडी में 30 रुपए किलो बिक रहा है। ये तस्वीर किसी भी हालत में किसानों के हक में नहीं है। ऐसे अन्याय के चलते ही किसान आत्महत्या को मजबूर होता है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि किसानों का आंदोलन अब किस दिशा में जाता है। अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया, सीकर। और इधर किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और इसी के चलते आज जयपुर के विद्युत गेस्ट हाउस में अहम बैठक हुई, जिसमें मंत्री प्रभुलाल सैनी, डॉक्टर राम प्रताप, पुष्पेंद्र सिंह और अजय सिंह किलत मौजूद रहे। सभी मंत्रियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भारतीय किसान सभा की मांग पत्र पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अशोक परनामी ने कहा कि किसानों की मांग को लेकर सरकार संवेदनशील है। साथ ही कर्ज माफी के मसले पर परनामी ने कहा कि सरकार सभी संभावनाओं को देख रही है। साथ ही समर्थन मूल्य खरीद पर केंद्र से बात हुई है। अभी किसानों का एजिटेशन चल रहा है सीकर साइड में, उनकी क्या क्या मांगे हैं उन मांगों पर बैठ करके पूरी चर्चा हमने करी। प्रभुलाल जी सैनी अपने मुझ थे, अपने डॉक्टर राम प्रताप जी थे, अजय सिंह जी क्लिक थे, इन सबके साथ बैठ करके उनकी जो मांग पत्र है उसमें हमने प्राइमरी एक चर्चा करी है। हमने देखिए साहब, ये सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी बहुत ही संवेदनशील है। हम निरंतर वार्तालाप के माध्यम से ही हम हल निकालते हैं। पहले भी हमने वार्तालाप के माध्यम से हल निकाला था, अभी वार्तालाप के माध्यम से हल निकालेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जो जिस प्रकार सीकर में जो पिछले दिनों से जहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, उन सारे विषयों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है उस ज्ञापन पर विभागवार चर्चा की गई है। जहां तक सहकारिता का सवाल है तो सहकारिता मंत्री जी के द्वारा भी लगभग कहा गया कि लगभग 15,000 करोड़ के लोन हम लोग किसानों को 0 ब्याज पे दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कर्जे माफ करना किसी समस्या का समाधान नहीं है और हमारा सबका यह प्रयास होना चाहिए। कर्जा माफ करना तो एक बैंक को पैसे देना है, क्योंकि जिन बैंक्स में पैसा है उन बैंक में पैसा चला जाएगा, लेकिन उस किसान की हालत जो है वो वहीं की वहीं स्टैंड रहेगी।